नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी। चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और आइए रुख करेंगे आज की खबरों की ओर। विधायक प्रदेश सरकार अब पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के व्यवसाय का भी सुरक्षा करेगी, लेकिन ललितपुर में ऐसा नहीं हुआ। नगर के मोहल्ला सदन शाह क्षेत्र स्थित अस्पताल के पास युवक इमरान की दुकान का डिब्बा रखा हुआ था, जिसे नगर पालिका ने अस्त व्यस्त करते हुए हटा दिया। युवक का लोहे के खोखे का सामान भी रखा था, वह भी नष्ट हो गया। नगर में ऐसे नगर पालिका के द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण चलाया जा रहा है। वह कोरोना काल में गरीबों के मानवाधिकारों का हनन और उनके मौलिक अधिकारों को रोन कर चलाया जा रहा है। जनपद ललितपुर विगत कई वर्षों से भयंकर अतिक्रमण की चपेट में है और आज लॉकडाउन के दिन सैटरडे संडे लॉकडाउन रहता है, जब पूरा मार्केट बंद है। ऐसे में सड़क के किनारे का दुकानों का अतिक्रमण हटाया जाना कहाँ तक न्याय संगत है, मैं यह नगर पालिका युवा से पूछना चाहता हूँ। पिछले दो साल से कोरोना काल चल रहा है और लगातार मैं कहें कि लॉकडाउन का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में छोटे छोटे दुकानदारों को दुकान ही नहीं खोल पा रहा हूँ, इस प्रकार से दुकानों से बेघर किया जा रहा है, उसको लेकर क्या? देखिए, एक तरफ जहाँ सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए आदेश कर रही है कि कोरोना काल में किसी प्रकार की वसूली अथवा उत्पीड़न करने वाली कार्रवाई ना बैंक करेंगे ना सरकारी विभाग करेंगे, और ऐसे में रोजी रोटी से ये बेघर करना ये घोरता निंदनीय है। और जनपद ललितपुर में अगर अतिक्रमण हटाया जाना है तो उसके लिए एक कार्यक्रम तैयार करें नगर पालिका परिषद ललितपुर, उसके बाद अतिक्रमण हटाया जाए। हम लोग अतिक्रमण हटाने के पक्ष में हैं, क्योंकि शहर में अतिक्रमण अपने पैर पसार चुका है, लेकिन एक ही जगह सदन साय के लिए टारगेट करके अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है उसकी हम लोग घोर कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। यह मांग करते हैं जिलाधिकारी महोदय से कि आज सैटरडे और संडे लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दिन जब सब कुछ बंद है और सारे कर्मचारी भी व्यस्त हैं, ऐसे में नगर पालिका युवा अतिक्रमण हटाने के लिए जाना उन गरीब लोगों के साथ अन्याय है और रोजी रोटी के लिए उनके लिए भुखमरी की कगार पर पहुंचाने वाला कदम है, जिसे तत्काल बंद होना चाहिए। एक सरकार बता रहा है और सरकार की नीति है कि आत्मनिर्भर बनो। एक गरीब आदमी आत्मनिर्भर की श्रेणी में आके अपनी पटरी पे रोजगार जमा के अपना भरण पोषण कर रहा है। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनमें कोरोना काल में उनके माँ बाप दोनों मृत हो चुके हैं, उनके बच्चे अपने रोजगार के लिए आत्मनिर्भर के लिए कहीं फुटपाथ पे आलू की दुकान कहीं फल की दुकान लगा के अपना जीवन यापन करना चाह रहे हैं। लेकिन ये मौजूदा जो सरकार है ये कहती कुछ है करती कुछ है, ये केवल उनको और भुखमरी की कगार में झोंकना चाह रही है। और जहां पर वास्तव में अतिक्रमण है नगर में, अतिक्रमण को हटना चाहिए। जो धनाढ्य लोग हैं, जो भाजपा के सत्ताधारी लोग हैं, जिनकी दुकानें हैं घंटाघर से चौराहे के बीच में, वो भी आज अतिक्रमण की चपेट में है, लेकिन प्रशासन को बोलो नहीं दिख रही हैं। चाहे मौजूदा भाजपा के वर्ष से वरिष्ठ कार्यकर्ता की दुकानें देखी जाएँ तो घंटाघर से चौराहे के बीच में पड़ती हैं, उनका अतिक्रमण क्यों नहीं हट रहा? एक टेलीफोन के खम्भे को दुका के वहाँ पर 6 फुट का अतिक्रमण किया जा रहा है, कहीं 3 सेट निकाल के अतिक्रमण किया जा रहा है, नालियों के ऊपर अतिक्रमण किया जा रहा है। क्या ये अतिक्रमण यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ नगर पालिका ईओ, यहाँ SDM, यहाँ CO कोतवाली, यहाँ के जो कि यातायात पुलिस वाले हैं, इनको ये अतिक्रमण नहीं दिख रहा? यहाँ तक कि आपकी मेन चौराहे पर सर यूपी ग्राउंड बैंक के नीचे, उसके नीचे भी दुकानें हैं, वहाँ का आपको नहीं दिख रहा? वहाँ 40 फुट की रोड है, लेकिन अगर मेन बाजार में जब खुलता है तो वो केवल 18 फिट की रोड बचती है और 12 फिट की रोड बचती है, बाकी की सब अतिक्रमण में चली जाती है। इस प्रकार का अतिक्रमण चलाया जाता है तो केवल गरीबों को नुकसान पहुँचाया जाता है, पूंजीपतियों को बचाने की कोशिश? इसमें केवल जो पूंजीपति हैं वो अपना सिस्टम में आते हैं, जैसा कि मोदी जी ने कहा था ये सिस्टम की है, तो सिस्टम में अपना पैकेज दे के अपनी दुकान पर अतिक्रमण करते हैं। गरीब आदमी जो पैकेज दे रहा है उसको अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है, जो नहीं दे पा रहा है उसका अतिक्रमण अलग किया जा रहा है। ये है सरकार की नीति, मतलब निचोड़ना और फटकारना। जो पैसा दे रहा है उसका अतिक्रमण अलग नहीं कर रहा है। मांग उठी है कि इन्हें कम से कम एक सुनिश्चित जगह दी जाए जहाँ पर वो अपनी दुकान लगाया जाए, लेकिन ललितपुर नगर पालिका या ललितपुर जिला प्रशासन इस प्रकार का काम अभी तक कर रही है ना, तो उन्होंने कोई जगह निश्चित की है ना कोई जगह वो बताने को तैयार नहीं की जा रही है। कुछ बताएं, ये शासन की वो कहते कुछ नहीं, हमारे पास कहाँ जमीन ही नहीं है, जहाँ होगी तो बताएंगे। उगाई का जरिया है और जहाँ जो निश्चित है, जो पैकेज में चल रहा है, पैकेज मिल रहा है तो वो सही है, उनको नहीं देखा जाएगा, उनको देखा जाएगा। अभी मैंने ADM साहब से बात हुई, ईओ साहब वहाँ बैठे थे, मैंने कहा कि आप लॉकडाउन के दिन कर रहे हैं शनिवार इतवार को जब पूरा मार्केट बंद है, आप ये अनाउंस करते, आप आम सूचना देते कि इस तारीख में इस एरिया का अतिक्रमण अलग हुआ, इस एरिया से अतिक्रमण अलग हुआ, और पहले धनाढ़ों का करो ना, आप जहाँ मेन बाजार में है वहाँ अलग करके फिर गरीबों को क्या समस्या है? क्या नाम है?
में छोटे गेट पर चाय और नाश्ते की दुकान थी। हमारे पिताजी को अभी 25 साल से वहाँ दुकान जमाए हुए थे। 2 महीने पहले उन्हें अटैक की बीमारी के कारण गुजर गए पापा जी। हम लोग 6 महीने हैं, हमारा ना कोई भाई है ना घर में कोई भरोसा घर चलाने के लिए। हम अपनी अगर दुकान चला रहे थे वहाँ आके, अभी 2 महीने में हम लोगों ने कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद दुकान खोली है वहाँ पे आके। और अचानक से आके लोगों ने कहा कि यहाँ से दुकान हटाई जाए, हमें कोई मतलब नहीं है कि आपके घर में कौन कैसा क्या व्यापार चल रहा है, यहाँ से दुकान हटाई जाए। हमने कहा हमारे पिताजी नहीं है, हम कैसे हटाएंगे, क्या चलाएंगे घर, तो कह रहे उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, आप लोग यहाँ से हटाइए अपना व्यापार, हमारा घर कौन चलाएगा अंकल जी, क्या है हमारे पास चलाने के लिए, किससे हम लोग मांगेंगे, और अगर ऐसा करना ही है तो हम लोगों को स्थायी व्यापार दिया जाए, स्थायी जगह की जाए हम लोगों की, उसी जगह पर जो भी है सब उन्हीं को संभालना है। सिर्फ तुम्हारे अपराध साहब हम चले थे संसद चौराहे तक ही चल लिया, ठीक है, मतलब कहीं नहीं ना कोई अनाउंसमेंट हुआ ना कोई जानकारी दी गई है यहाँ से जो भी बात थी। और अचानक से आगे कहा गया कि 2 घंटे आपके पास अपना सारा सामान यहाँ से हटाइए, और आगे तोड़ फोड़ कर दी शुरू उन लोगों ने, वहाँ पे पत्थर तक नहीं छोड़े, पत्थरों को भी उठा के ले गए। अगर आपके साथ इंसाफ नहीं मिल रहा तो कहाँ जाओगी आप, योगी समझेंगे, धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे, अन्न सन्न पर बैठेंगे, परिवार को लेकर सीधा घंटाघर।